हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो सबसे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। चलिए क्लास 8th चैप्टर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इसके फॉर्मूलाज हैं, उनको देखना है। तो चलिए वो देख लेते हैं एक बार इंट्रोडक्शन के अंदर। जैसे यहाँ पर ए की पावर मैं कुछ लिख रहा हूँ, ए की पावर अगर माइनस एम है तो 1/a की पावर क्या हो जाएगी? एम। जैसे अगर 1/4 की -3 लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 4 की पावर 3 हो जाएगी। अगर 4 की पावर -3 है तो इसको डिवाइड में लेके जाऊंगा तो ये पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। सबसे पहले हमारे को पावर पॉजिटिव बनानी पड़ेगी। अगर नेगेटिव है, ए की पावर माइनस एम है तो 1/a m पॉजिटिव हो जाएगा। ए की पावर एम की पावर एन है, एम की पावर एन यानी कि 3 की पावर 4 है और इसकी पावर 2 है, तो 4 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। ए की पावर एम गुणा एन, ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन यानी कि बेस सेम है। ए की पावर एम और ए की पावर एन अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में तो ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर हमेशा क्या होती है? ऐड। याद रखना, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? ऐड। और डिवाइड, ए की पावर एम बाई ए की पावर एन, डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगी? माइनस एम माइनस एन हो जाएगा। ए की पावर एम माइनस एन, ए की पावर एम मल्टीप्लाई बी की पावर एम, तो ए बी की पावर क्या हो जाएगी? एम हो जाएगी। यानी कि ये दो आपके अलग अलग हैं, यहाँ पर 3 है जैसे यहाँ पर 4 है, तो 3 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पावर सेम होनी चाहिए बस इसके लिए। ए की पावर 0, किसी के नंबर की पावर 0, जैसे 10 की पावर 0 क्या होता है? हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर भले ही कुछ हो आपकी, उसकी पावर 0 1 होगी। ए बी की पावर एम, तो अलग अलग लिख लेते हैं, ए एम मल्टीप्लाई बी की पावर एम लिख लेते हैं। तो ये फार्मूला सबसे पहले आपके कॉपी में पहले पेज पे नोट डाउन होने चाहिए भाई। सारे के सारे कितने हैं ये, यानी कि 7 फार्मूलाज आपको आने चाहिए, कॉपी के फ्रंट पेज पर होने चाहिए। फिर स्टार्ट करते हैं 12.1। क्या स्टार्ट करेंगे? 12.1। चलिए पहला इवेल्युएट करना है इनको, ठीक है ना? तो मैं इनके आंसर लिखते हैं, पार्ट वन का लिखते हैं। चलिए पार्ट वन में क्या दिया हुआ है? 3 की पावर -2। मैथ सभी का ओपन होगा कॉपी, ठीक है ना? 3 की पावर -2 क्या बनेगा भाई? 1/3 की पावर 2 हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना? -2 है, नीचे जाके क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव। मैंने बताया था ना, ए की पावर माइनस एम होती है वो उस साइड क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब मेरे को ये बताइए, 1/3 का स्क्वेयर क्या होता है? 9। 3 का स्क्वेयर क्या होता है? 9। 3 मल्टीप्लाई 3 9, तो 1/9 आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट करिए, सेकेंड पार्ट लिखिए, -4 की पावर -2 क्या हो जाएगा भाई? ये 1/-4, तो ये -4 का तो -4 रहेगा, सिर्फ पावर है वो पॉजिटिव होनी है। 2 के क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल करूंगा तो +2 हो जाएगी। ये 1/-4 की 2 का अर्थ क्या हो गया? -4 मल्टीप्लाई -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस मल्टीप्लाई में, और 4 और 4 यानी कि 16 हो जाएंगे आपकी, ठीक है ना? 4 4 जा 3 पे आते हैं, 1/2, 1/2 की पावर -5। चलिए -5 को अलग अलग लिख देता हूँ, 1 की पावर -5 और 2 की पावर क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। 1 की कुछ भी रहे 1 ही बनता है भाई, ठीक है ना? और 2 की पावर -5 है अब, तो ये अगर आपका नीचे होता है 2 की पावर -5 तो ऊपर जाके ये 2 की पावर क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। 2 की पावर क्या हो जाएगा? +5। लिख दीजिए 2 को 5 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना? तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32। कितना आ जाएगा ये? 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो पहला सम हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। सिंपलीफाई करना है इनको। एक्सप्रेस रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आ जाएगा? -4 की पावर 4 डिवाइड -4 की पावर 8। मैंने क्या बताया था भाई? डिवाइड में पावर्स क्या हो जाएंगी? डिवाइड में पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी? डिवाइड होगा जब -4, क्या होगा? -4 है और नीचे भी -4 है, दोनों बेस सेम है ना? दोनों बेस क्या है? सेम है। तो डिवाइड में पावर, मैंने आपको क्या बताया था, पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। 4 माइनस क्या हो जाएगा? 8। 4 माइनस क्या हो जाएगा भाई? 8। -4 क्या हो जाएगा? -4 आ जाएगा। यहाँ से इक्वल में चलिए भाई, 1/ ये नेगेटिव है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो -4 को कितने टाइम लिखना है? 4 टाइम, ठीक है ना? कितनी बार लिख दो इसको? 4 बार।
तो चार बार लिखूंगा तो पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस 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 प्लस, यानी कि जब भी इवन टाइम आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 4 की पावर 4, तो यहाँ पर लिख दोगे 4 की पावर 4, आपका आंसर हो जाएगा। चाहे इस 4 4 को आपस में क्या करवा के लिख दो, मल्टीप्लाई। चलिए सेकंड सम पर चलता हूँ मैं। सेकंड सम क्या है मेरा, यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है, और 2 की पावर क्या है 3 है, और उस पूरे की पावर क्या है 2 है भाई। तो मेरे को बताइए 1 की पावर 2 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। और मैंने क्या बताया था आपको, 3 की पावर 2 है, यानी कि इन दोनों की पावर 2 है, पहले इसकी पावर भी 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 2 की पावर 3 की पावर 2। तो मैंने क्या बताया था आपको, पावर की पावर होती है वो क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना। चलिए फिर थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं हम। थर्ड में हमारे पास क्या है, माइनस है, ठीक है, 3 की पावर क्या है 4 है, मल्टीप्लाई में क्या है 5/3 है, और इसकी पावर क्या है 4 है भाई, माइनस 3 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4, ये दोनों की 4 हो जाएगी ना, इसकी भी 4 और 3 की पावर भी क्या हो जाएगा 4, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 की पावर 4, यानी कि आप माइनस को यानी कि कितने टाइम लिख सकते हो, 4 टाइम, ठीक है ना, 5 5 और 5, ठीक है ना, यानी कि -5 की पावर 4 लिख दो, या इन 4 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है ना। चाहे इसकी मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, 5 5 जा 25 25 5 जा 125, और 125 जा कितने हो जाएंगे, 125 जा, ठीक है ना, 125 जा हो जाएंगे आपके, 5 5 जा 25, 2 625 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 3 की पावर -7 है, डिवाइड हो रही है 3 की पावर -10 से, और आगे क्या है आपका, मल्टीप्लाई में क्या है 3 की पावर -5 है। चलिए अभी इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 की पावर -7 किससे डिवाइड हो रहा है, 3 की पावर -10 से, मल्टीप्लाई क्या है 3 की पावर -5 है। ये बताइए मेरे को, 3 की पावर -5 है, ठीक है, तो डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो माइनस होती है ना, मल्टीप्लाई में तो प्लस होती है, और डिवाइड में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है पावर। 3 की पावर -7, 3 की पावर -10, मैं डिवाइड करा रहा हूँ तो इसमें पावर क्या हो जाएगी, माइनस, ए माइनस बी लिखूंगा, -7 -10, और बीच में फिर से माइनस का है, 3 मल्टीप्लाई क्या है, -5 है भाई। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर क्या हो जाएगी, -7 + 10 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 की पावर 10 में से 7 गए 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी भाई, क्या हो जाएंगी, ऐड, क्या हो जाएगी, ऐड, 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 3 की पावर -2, कितना आ जाएगा, 3 की पावर -2, 1/3 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अभी लास्ट सम करते हैं, फिफ्थ सम। इसमें क्या दिया हुआ है, 2 की पावर -7 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में क्या है 7 की पावर -3 है। चलिए भाई 1/ लिख देता हूँ 2 की पावर 3, क्योंकि अपॉन में जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, और ये भी अपॉन में जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी भी, -7 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी भाई, -3 था नीचे जाएगा +3 हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा, +3। जब मैंने बता रखा है आपको, पावर जब सेम हो, ए की पावर एम है और बी की पावर एम है, यानी कि अंदर वाले डिफरेंट है और पावर सेम है, तो ये आपस में क्या कर जाएंगे, मल्टीप्लाई, क्या कर जाएंगे, मल्टीप्लाई, और पावर क्या आ जाएगी, सेम 3 आ जाएगी भाई। तो 1/-14 की पावर कितना हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। -14 को अगर 3 बार करवाना चाहते हो 3 बार, अन्यथा ये भी आंसर आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, 1/-14 की पावर 3 आ जाएगा। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करनी है, तो आंसर लिखते हैं, फर्स्ट सम का क्या आंसर हो जाएगा भाई, 3 की पावर 0 + 4 की पावर -1 × 2 की पावर 2। मैंने क्या बताया आपको, किसी की भी पावर 0 करोगे, 1 की यानी कि 3 की पावर 10 की, 1 की पावर 0 क्या बताया था मैंने, 1 बताया था, प्लस 4 की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/4, 2 2 जा 4 हो जाएंगे, इसके अपॉन में 1 रख लेता हूं मैं, 4 क्या आ जाएगा मेरा, एलसीएम, 4 + 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 4 और 1 5/4, मल्टीप्लाई 4
फोर से फोर कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा? फाइव आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स? फाइव आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। टू की पावर माइनस वन, फोर की पावर माइनस वन, डिवाइड किससे हो जाएगा? टू की पावर माइनस टू से। तो मल्टीप्लाई में मैं आपको क्या करना है भाई, यानी कि मल्टीप्लाई में मैं क्या लिखूँगा, वन बाई टू। मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? वन बाई फोर। मैंने इनवर्स का बता रखा है आपको, क्या करना है इसको, टू की पावर क्या हो जाएगी? माइनस टू। यहाँ से चलिए ये करिए भाई, वन बाय क्या हो जाएगा? एट। वन बाय एट मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? वन की पावर टू बाय माइनस टू हो जाएगा भाई, क्योंकि डिवाइड में तो टू माइनस टू है, मल्टीप्लाई में तो टू माइनस टू आता, लेकिन जैसे ही नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? पॉजिटिव हो जाएगा। टू की पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, ठीक है ना। टू की पावर माइनस टू, और जब वन बाय लिखूंगा तो टू बाय टू हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड था, क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में वन बाय माइनस टू हो जाएगा। आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे? वन बाय टू, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। ये माइनस टू है तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस की पावर हो जाएगी। ये वन बाय टू मल्टीप्लाई, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, कितना आंसर आ जाएगा? वन बाय टू। कितना आंसर आ जाएगा? वन बाय टू आ जाएगा। यहाँ से दोबारा से देखो, टू की पावर माइनस टू, फोर की पावर माइनस वन, तो माइनस टू माइनस को क्या लिखता हूँ मैं? रेसिप्रोकल करूँगा तो वन बाय टू हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगी ये। तो वन की तो पावर हम लिखते नहीं ना, पॉजिटिव दिखा दो जाए यहाँ पर। वन, टू की पावर वन, फोर की पावर वन, तो फोर ही होगी, ठीक है ना। आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वन बाय ऊपर वालों के आपस में वन, फोर टू जा एट। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करूँगा तो टू माइनस टू क्या चला जाएगा? नीचे। अब इसको पॉजिटिव बनाना तो ये ऊपर हो जाएगा, टू की पावर टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, वन बाय टू आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा? वन बाय टू आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है? वन बाय टू माइनस टू है, वन बाय थ्री माइनस टू है, वन बाय फोर माइनस टू है। बस ये तो हो ही गया आपका, माइनस टू है, ठीक है, प्लस वन बाय थ्री कितनी पावर है? माइनस टू है, प्लस वन बाय फोर कितनी है? माइनस टू है। इनको ऊपर लेकर जाऊंगा, अगर टू को ऊपर कर दूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, टू की पावर टू, क्योंकि नेगेटिव है ना। थ्री की पावर टू, फोर की पावर टू, आप समझ गए होंगे, वन की पावर माइनस टू है तो वन ही हो गया, टू की पावर माइनस टू हो जाएगी, ठीक है ना। अगर ऐसे लिखूंगा वन की टू और माइनस टू, तो यहाँ से तो वन आ गया और यहाँ पर माइनस टू है, तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगी ना। मैंने सीधा ही करवा दिया, अंदर वालों को रेसिप्रोकल करवा दो, पॉजिटिव हो जाएंगी पावर अपने आप। टू ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव, थ्री पर पॉजिटिव, फोर। अब इनको करवा दो भाई, टू टू जा फोर, थ्री थ्री जा नाइन, फोर फोर जा सिक्सटीन, कर दो भाई 29 आंसर आ जाएगा। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपका क्या है? थ्री की पावर माइनस वन है, फोर की पावर माइनस वन है, फाइव की पावर माइनस वन है, ऊपर जीरो है, ठीक है। सिर्फ एक कारण लिख के मैं इसको क्या करवा दूंगा, फोर की पावर माइनस वन है, फाइव की पावर क्या है? माइनस वन है। सिर्फ एक ही वाक्य में मैं इसको पूरा कर दूंगा कि ये क्या हो जाएगा मेरे पास, वन आंसर लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि ए की पावर जीरो क्या होता है? वन होता है। यहाँ पर कारण लिख देंगे बस, क्योंकि इनकी पावर अगर मैं जीरो करूँगा तो वन हो जाएगा, चाहे इसको वन बाय थ्री वैसे करते रहो, लेकिन जब जीरो लगा रखा है पूरे के ऊपर, इन पूरे की पावर पे, तो क्या हो जाएगा? ये वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन। लास्ट फिफ्थ पार्ट करता हूँ इसका, माइनस टू बाय थ्री की पावर माइनस टू, और टू है भाई। चलिए माइनस टू बाय थ्री है, इसकी पावर कितनी कर रखी है? माइनस टू, और ऊपर क्या लगा रखा है? टू। पावर की पावर मैंने बताया था, ए की पावर एम और एन हो तो इसको मैं क्या कर दूंगा कि माइनस टू की पावर थ्री, टू टू जा फोर, तो क्या हो जाएगा? ये फोर आ जाएगा। क्या जाएगा माइनस का? फोर। क्या हो जाएगा माइनस का? फोर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, टू की पावर माइनस फोर है और थ्री की पावर क्या है? माइनस फोर है, ठीक है ना। इनको पॉजिटिव बनाने के लिए थ्री को क्या ले जाएंगे? ऊपर, और टू का आ जाएगा नीचे आ जाएगा, और आगे क्या है? माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। थ्री को फोर टाइम लिख दो, थ्री थ्री जा, ठीक है, और ऐसे थ्री को चार टाइम, और ऐसे ही टू को चार बार लिख दूंगा मैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएंगे मेरे पास, एक की जो थ्री होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, और ट्वेंटी सेवन थ्री जा 81 हो जाएगा, और ये टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा 16 हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर थ्री आपका कंप्लीट हो चुका है।
तो सभी ने के समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, 4 का पार्ट 1 करते हैं। आंसर 4 का पार्ट 1, 1 में क्या करना है मेरे को, 1 में करना है मेरे को 8 की पावर माइनस 1 है, 5 की पावर क्या है 3 है, इसको डिवाइड करवा रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना बच्चों, ध्यान से कर लो, 2 की पावर माइनस 4 है, तो जिसकी पावर नेगेटिव होती है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाती है ना, क्योंकि यहाँ पर एक मैंने कारण लिखता हूँ, ए की पावर माइनस एम होती है वो 1/ क्या हो जाएगी, ए की पावर एम हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, ये नेगेटिव है इसको ऊपर ले आता हूँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना, क्या हो जाए पॉजिटिव, और यहाँ पर मेरा 8 की पावर माइनस है तो ये नीचे चली जाएगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब 2 को मेरे को कितने टाइम लिखना है, 4 टाइम लिखना है, ठीक है ना, और 5 कितने टाइम लिखा जाएगा, 3 टाइम, कितने टाइम 3 टाइम, और नीचे क्या है 8 है, तो 2 4 8, 2 2 जा, और 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, ये 2 × 5 3 आंसर कर सकते हो, चाहो तो इनके आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, 5 2 10, 10 5 50, 55 5 250, चाहे इसका आप 250 भी आंसर कर सकते हो, 2 × 5 3 आपका, और 250 भी सही है आपका, 8 की पावर -1 है तो नीचे ले जाऊंगा तो 8 की पॉजिटिव हो गई, 2 की पावर -4 है इसको लेकर चला गया 2 की पावर पॉजिटिव हो गई, 5 की पावर 3 है, 2 को कितने टाइम लिखा मैंने 4 टाइम, और 5 को कितने टाइम लिखा 3 टाइम, भाई में 8 है, 2 4 8, 2 2 4, और 4 2 8, यहाँ से हो जाएगा ये आपका ऐसे, ठीक है ना। फिर आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर, कौन से पर, 2 पर, तो 2 में क्या कह रखा है कि 5 की पावर -1 है, 2 की पावर -2 है, और क्या है 6 की पावर क्या है मेरे पास -1 है, तो 5 क्या हो जाएगा 1/5, 2 क्या हो जाएगा 1/2, 6 क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है ना। अब चलिए भाई 1/5, 2 2 4, 2 2 4 × 6, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5 4 20, 26 1 20, ठीक है ना स्टूडेंट, बिल्कुल ईजी है ना, बस इनवर्स था, नीचे ले आया पॉजिटिव बन गया, आपस में सभी की मल्टीप्लाई करवा दो आंसर आ जाएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे अपने चैनल को, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लगा लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लेना, आपको ये समझ में आ गया तो आपके यानी कि 5 नंबर है वो कन्फर्म है। चलिए भाई इसका आंसर करते हैं, ध्यान से समझना है, वैल्यू चेंज हो जाए तो भी आना चाहिए, 5 की पावर m, 5 - 3 इक्वल में क्या है 5 की पावर 5 है, जब ये डिवाइड कर रहा है क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट, क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड कर रहा है तो इसको 5 की पावर m माइनस करता हूँ मैं, क्या हो जाती है पावर माइनस हो जाती, ठीक है, यानी कि पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, जैसे ऊपर जाएगी तो m - 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर एक वर्डिंग लाइन लिखनी है, कंपेयरिंग पावर, कंपेयर करवा दो पावर को, यहाँ पर 5 है तो करवा सकते हैं हम इनको ऊपर वाली पावर को, तो m + 3 किसके इक्वल आ जाएगा 5 के, ठीक है ना, m + 3 किसके इक्वल आ गया 5 के, m इक्वल क्या आ जाएगा 5 - 3 किसके इक्वल आ गया भाई 2 के, किसके इक्वल आ गया 2 के, आपका आंसर आ गया, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, बस डिवाइड कर ध्यान रखना है, 5m डिवाइड कर रहा है किसको 5 - 3 को, ये ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि मैंने आपको बता दिया a की पावर m हो, a की पावर n हो तो m - n होगा यहाँ पर, तो m + 3 हो जाएगा, दोनों को कंपेयर करवा दो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं भाई, बस आपको 2-3 कंडीशन ही ध्यान में रखते हुए सभी सम कर लोगे आप अच्छे से बिल्कुल, यहाँ पर क्या है 1/3 है और इसकी पावर क्या है -1 है, और यहाँ पर क्या है 1/4 है -1 है, पूरे की पावर क्या है -1 है। चलिए भाई मैंने आपको क्या बताया, इसको जैसे ही रिवर्स करते हैं तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, 1/3 की पावर -1 है, 3 की पावर -1 है तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी पॉजिटिव, 3 आ गया यहाँ से, ठीक है ना, ये तो प्लस होगी पावर, अब ऐसे ही 4 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगी, ठीक है, और पूरे की पावर क्या है -1 है, यानी कि 3 - 4 की पावर क्या है -1 है, यहाँ से क्या आ गया -1, -1 की -1 यहाँ पर नीचे ले जाऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा,
आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि तरी में से फोर गया -1, -1 की पावर -1 है तो नीचे ले गया -1, पॉजिटिव हो गया, 1 का 1 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा और माइनस आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। 5 बाई 8, 5 बाई 8 इसकी पावर -7 है, मल्टीप्लाई में 8 बाई 5 इसकी पावर क्या है, -4 है। तो क्या बोला है मैंने आपको कि 5 की पावर -7 है और 8 की पावर क्या है -7 है, मल्टीप्लाई क्या है, 8 की पावर -4 है और 5 की पावर क्या है -4 है। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगी और ये नीचे जाने के बाद पॉजिटिव होती है भाई, ऐसे ये ऊपर जाने के बाद पॉजिटिव होगी 5 की पावर और 8 की पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी भाई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये बताइए मेरे को, 8 की पावर 4 यहाँ पर है और 8 की पावर 7 यहाँ पर है, डिवाइड में ना ये आपस में एक दूसरे के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 8 की पावर 7 माइनस कितनी कर दूंगा, 4, मल्टीप्लाई में 5 की पावर ऊपर 4 है नीचे 7 है तो ये क्या कर दूंगा, 4 माइनस 7 क्या आ जाएगा भाई आंसर, 8 की पावर यहाँ से 4 में 7 में से 4 गए 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर 5 की पावर क्या हो जाएगी, 7 में से 4 गए -3 आ जाएगा, तो 8 की पावर 3 बाई 5 की पावर 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। भले ही आपको 8 को 3 टाइम लिख लो और 5 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हो भाई, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 आंसर आ सकता है, 5 मल्टीप्लाई 5 उनकी मल्टीप्लाई भी, और ये आंसर भी आपका सही है, ये आंसर भी क्या आपका सही है बिल्कुल। चलिए अगले सम की ओर बढ़ते हैं, 7th की तरफ, ठीक है ना, हमारा ये क्या होगा, फाइनल सम होगा, लास्ट सम होगा, ठीक है ना। चलिए भाई आंसर करते हैं पहले का, 25 t की पावर -4 डिवाइड में क्या है, 5 की पावर -3 है, 10 है और t की पावर क्या है भाई, -3 है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव बनाना होता है, 25 है तो ऊपर जो नेगेटिव आ रहा है, जो नीचे है 5 की -3 इसको ऊपर लेके आया तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, t की पावर -3 इसको ऊपर लेके गया पॉजिटिव हो गई, नीचे क्या है मेरे पास 10 है और ऊपर क्या थी नेगेटिव थी, वो नीचे जाके क्या हो गई, टी की पावर पॉजिटिव हो गई, टी की पावर क्या हो गई पॉजिटिव। चलिए भाई ये 5 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 2 5 जा और 5 5 जा, 5 की टेबल में आ रहे थे दोनों, मैंने काट दी इसलिए कैंसिल कर दिए, तो यहाँ से 5 की पावर 1 है और 3 है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 4 हो जाएगा भाई, टी की पावर 3 अपॉन में क्या है 2 मल्टीप्लाई, टी की पावर कितनी है भाई ये 4 है, कितनी टी की पावर 4 है। अब मेरे को ये बताइए 5 को मैंने कितने टाइम लिखना है, 4 टाइम लिखना है 5 को, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास 2 और टी की पावर 3 है, नीचे क्या है टी की पावर 4 है, डिवाइड में है ये इसके, तो इसके ऊपर जाके ये नेगेटिव हो गई, यहाँ से आप सभी को पता होगा 5 5 जा 25 25 जा 125 और 25 6 जा 1 625 2 और टी की पावर क्या हो जाएगी -1 आ जाएगी, 625/2 और अपॉन में चला जाएगा मेरा टी, ताकि ये क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना, 625/2 में क्या हो जाएगा 2t, क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। चलिए आखिरी सम पर आते हैं, 3 की पावर -5 10 की पावर -5 125 अपॉन में क्या है 5 की पावर -7 है, 6 की पावर क्या है -5 है। कैसे भी सम आ जाए सिर्फ आपको क्या चलना है, रूल फॉलो करना है। तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें भाई, 5 की पावर 7 ऊपर चला जाएगा, 6 की पावर पॉजिटिव करनी तो ऊपर चली जाएगी, ऊपर आपके पास 125 पॉजिटिव है ही। चलिए भाई ऊपर जो नेगेटिव है उनको नीचे लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएंगे, 3 की पावर 5, 10 की पावर क्या हो जाएगी 5, क्या हो जाएगी 10 की पावर 5। अब मेरे पास क्या है 5 की पावर 7 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ भाई, 2 3 जा 6 होते हैं, 125 किसकी पावर होती है 5 की पावर, कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी भाई, 5 5 जा 25, 125 हो जाएगा, 3 की पावर 5 ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा भाई, 2 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10 इसकी पावर क्या है 5 है, ठीक है ना, 5 की पावर 7, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 5 की पावर 3,
डिवाइड में क्या है, 3 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, और 5 की पावर क्या है, 5 है। ये बताइए मेरे को, 5 की पावर 7 है, यहाँ पर 5 की पावर 5 है, यहाँ पर 5 की पावर 3 है। पहले ऊपर वाले में देख लो 5 की कितनी बार आई हुई है, 5 मल्टीप्लाई में 7 है और 3 यहाँ पर है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 2 की पावर कितनी है, 5 है, और 3 की पावर कितनी है, 5 है। नीचे क्या है, 3 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, और 5 की पावर क्या है भाई, 5 है। तो यहाँ से 3 की 5 कैंसिल, 2 की 5 कैंसिल, ठीक है ना। क्या बचा, सिर्फ 5 की पावर 10 है, और डिवाइड में तो माइनस में हो जाएगी भाई, ये क्या हो जाएगी, माइनस में, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 5 की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।